नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने एक नया अध्याय लेकर के आए हैं, नई यूनिट है और नया अध्याय है। इसको ध्यान से समझिएगा। पुराने जो हमने लेक्चर्स किए हैं, पुराने वीडियो जो हमने पढ़े हैं, वो मांग के सिद्धांत पर आधारित थे, थ्योरी ऑफ डिमांड पर आधारित थे। अब जो हम अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्रोडक्शन पर निर्धारित है। उसमें हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते थे और अब हम जो लेक्चर्स करेंगे या वीडियोस पढ़ेंगे इनमें हम उत्पादक के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं उत्पादक के व्यवहार का सिद्धांत। यूनिट का नाम लिख सकते हैं हम, उत्पादक के व्यवहार का सिद्धांत है उत्पादन का सिद्धांत। उत्पादन का सिद्धांत, थियोरी ऑफ प्रोडक्शन, थियोरी ऑफ प्रोडक्शन। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा, जब हम उत्पादक उपभोक्ता की बात करते हैं तो उपभोक्ता क्या कहता है? उपभोक्ता बाजार में दी हुई प्रचलित कीमतों और उसके पास जो आय उपलब्ध है उसके आधार पर इस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है कि उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम हो। मीन्स जब हम उपभोक्ता की बात करते हैं, देखिए दोनों लगभग मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा फर्क क्या रहेगा, एक उपभोग कर रहा है, एक उत्पादक कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। इधर हम उत्पादक को लेते हैं, अंतर देखिएगा। उपभोक्ता क्या कर रहा है? दी हुई आय प्लस बाजार कीमतें, बाजार कीमतों पर क्या करना चाह रहा है? संतुष्टि को अधिकतम करना चाह रहा है, संतुष्टि को मैक्सिमम करेगा, ठीक है, या हम इसको ये लिख सकते हैं मैक्सिमम, संतुष्टि को अधिकतम करना चाह रहा है। कहां पर? जब आय दी हुई हो और बाजार कीमतें दी हुई हो। अन्य बातें मतलब अन्य तत्व जो हैं इनके अलावा, बाजार मांग को निर्धारित करने वाले अन्य तत्व हैं वो स्थिर रहे। उत्पादक क्या करता है? उत्पादक के पास में जो साधन दिए हुए हैं, साधन बोले तो मैं भी बताऊंगा, साधन प्लस साधनों के साथ में जो इसकी क्या नाम है तकनीक, उत्पादन की तकनीक है, ये दी हुई होनी चाहिए। इनके आधार पर उपभोक्ता अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, लाभ को अधिकतम करना चाहता है, ठीक है। इसमें क्या चाहेगा उपभोक्ता? उपभोक्ता चाहता है हमेशा कि मुझे कम से कम कीमतों पर अधिक से अधिक सामान मिले। उपभोक्ता चाहता है कि कम साधनों में, कम तकनीक में अधिकतम लाभ प्राप्त हो और मेरी लागत भी क्या हो, लागत भी न्यूनतम आए। तो इस प्रकार से अब हमारे पास में उत्पादन के जो साधन है, अपन उत्पादक के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उत्पादन का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो अपन इसका अध्ययन करेंगे आज, ठीक है। उत्पादन के जो साधन हमारे पास में होते हैं वो होते हैं भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। मुख्य रूप से उत्पादन के ये चार साधन माने गए हैं। और तकनीक है जो दो तकनीकों का प्रयोग हम कर सकते हैं इसमें। एक तो होता है श्रम बहुल तकनीक, श्रम बहुल तकनीक, और दूसरी जो है एक है पूंजी बहुल तकनीक, पूंजी बहुल तकनीक। मीन्स कहने का यह है कि श्रम बहुल तकनीक ऐसी तकनीक जिसमें श्रम का ज्यादा प्रयोग होता हो, मानवीय श्रम के आधार पर काम होता हो। दूसरी तकनीक है पूंजी बहुल तकनीक जिसमें हम कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, मशीनरी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, उसके आधार पर ही हम इसका काम कर सकते हैं। जैसे हमें कोई पुस्तक छापनी है, पुस्तक छापने के लिए हम श्रम बहुल तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोई फसल पैदा करनी है तो उसके लिए हमें श्रम बहुल तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा। दोनों भी डिफरेंस आ जाता है। तो उत्पादक हमेशा ये चाहता है कि दिए हुए संसाधन, जो भी दिए हुए साधन है और तकनीक है, उसके आधार पर कम से कम लागत आए और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। ये तो हमारा कहता है उत्पादक के व्यवहार का सिद्धांत। अब इसमें हम कई चीजों का अध्ययन करेंगे धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे। उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन के बाद में उत्पादन के सिद्धांत क्या है, उत्पादन के नियम क्या है, उत्पादन जो फलन है उसके कितने प्रकार हो सकते हैं, उत्पादन करने के लिए जो हम समय ड्यूरेशन का पढ़ेंगे वो कौन कौन से समय होते हैं, इन सभी का अध्ययन हम इसके अंदर कर रहे हैं। देखिए चलते शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अर्थ, उत्पादन का सिद्धांत क्या कहता है, आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, मैं धीरे धीरे बोलूँगा और इस पर लिखने में मैं सक्षम नहीं हूँ कि मैं पूरी उसको लिख सकूँ, इसलिए आप तो अपने नोटबुक और पेन साथ में रखिएगा ताकि मैं जो बोलूँ वो आप लिखते रहें। देखिए उत्पादन का सिद्धांत, उत्पादन के सिद्धांत से तात्पर्य हमारा यह है कि एक उत्पादक कम से कम संसाधनों का या कम से कम साधनों का प्रयोग करते हुए दी हुई तकनीक के आधार पर अपनी लागत को न्यूनतम करे और उत्पादन को अधिकतम करे। यही क्या कहता है, उत्पादन का सिद्धांत कहलाता है। उत्पादन फलन, अगला जो हमारा कंसेप्ट आता है वो आ जाता है उत्पादन फलन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है,
प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन कहता है उत्पादन फलन, जो उत्पादन है, उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधन, इन दोनों के मध्य पाए जाने वाले तकनीकी और भौतिकीय संबंध को ही उत्पादन फलन कहते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन के साधनों के मध्य, साधनों के मध्य पाए जाने वाले भौतिक या तकनीकी संबंध को, तकनीकी संबंध को क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन हमारे सामने आ गया कि कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन हम ले सकते हैं। हम सपोज करो फंक्शन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के एंड एल, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ये y है जो उत्पादन की मात्रा को बता रहा है, ये उत्पादन की मात्रा है और ये क्या है, उत्पादन के साधन है। ये संबंध की व्याख्या कर रहा है, कौन से संबंध की, तकनीकी और भौतिकी संबंध की व्याख्या कर रहा है। ये उत्पादन के साधन है जिसे हम के इज इक्वल्स टू कह सकते हैं, या भूमि ले लीजिए, सॉरी के इज इक्वल्स टू पूंजी की मात्रा और एल बराबर लेबर, लैंड कह सकते हैं, भूमि, भूमि और पूंजी, क्योंकि श्रम और उद्यम श्रम परिवर्तनशील साधन होता है, ठीक है। तो लैंड एंड लेबर, ठीक है, सॉरी के पूंजी है और ये लेबर है, श्रम, ये श्रम है, एल मीन्स लेबर, के मीन्स पूंजी, भूमि पूंजी श्रम और उद्यम, हम भूमि को और उद्यमी को स्थिर मान लेते हैं इसमें। और जब हम अल्पकाल और दीर्घकाल की व्याख्या करेंगे, जब मैं आपको और अच्छी तरह से समझाऊंगा, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं के एंड एल, कैपिटल एंड लेबर, पूंजी और श्रम, इन दोनों के मध्य और उत्पादन की मात्रा वाई के मध्य कैसा संबंध है, भौतिक या तकनीकी संबंध है। उसी के आधार पर अब देखिए वाई डिपेंड करता है, उत्पादन डिपेंड कर रहा है किस पर, भूमि और सॉरी पूंजी और श्रम के ऊपर। पूंजी और श्रम की मात्रा में परिवर्तन होगा, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। पूंजी और श्रम की मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा तो उत्पादन की मात्रा में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तो हमारा हो जाता है उत्पादन फलन। इसके बाद जो अगला हमारा कंसेप्ट आता है उत्पादन फलन के बाद में, वो होता है उत्पादन के जो नियम है वो कौन कौन से हैं। देखिए उत्पादन के नियम, अब उत्पादन के नियमों में हम दो नियमों की व्याख्या करते हैं। सबसे पहला, दो नियमों की व्याख्या आगे भी करेंगे, विस्तार से करेंगे, उत्पादन के नियम, उत्पादन के नियमों की हम व्याख्या विस्तार से आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट रूप में समझाऊंगा उत्पादन के। हम यहाँ पर दो प्रकार के नियमों की व्याख्या करेंगे। पहला हमारा जो रहेगा वो है साधन, साधन के प्रतिफल, फैक्टर्स रिटर्न्स टू ए फैक्टर, और यहां पर दूसरा हम पढ़ेंगे जो होगा हमारा पैमाने के प्रतिफल। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, शॉर्ट रूप में बता रहा हूं, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। उत्पादन के नियमों में हम साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल, जब हम साधन के प्रतिफल की व्याख्या करते हैं तो इस स्थिति में केवल एक साधन, जो उत्पादन का एक साधन है, वैसे तो खूब सारे साधन है, भूमि पूंजी श्रम उद्यम, चार साधनों की मैंने आपको बताइए, लेकिन इस स्थिति में केवल मात्र एक किसी भी साधन में परिवर्तन होगा, बाकी सभी साधन स्थिर रहेंगे, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, साधनों के प्रतिफल कहेंगे। तो इस स्थिति में केवल एक साधन ही क्या होगा, एक साधन परिवर्तनशील होगा, परिवर्तनशील, बाकी सभी स्थिर होंगे। और यह स्थिति कब पाई जाती है, यह पाई जाती है अल्पकाल में, अल्पकाल में। अब अल्पकाल और दीर्घकाल क्या होता है यह भी अगले अभी बताने वाला हूं। तो इस स्थिति में जब साधनों के प्रतिफल की हम बात करते हैं तो केवल एक साधन का प्रतिफल होता है, एक साधन में परिवर्तन होता है, जैसे कि हम मान सकते हैं पूंजी स्थिर रहती है, लेबर चेंजेबल होती है, तो श्रम में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो तो रहेगा हमारा साधन का प्रतिफल, ठीक है। एक साधन की मात्रा में परिवर्तन हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, उससे क्या प्रभाव पड़ा कुल उत्पादन पर। यहां पर पैमाने के प्रतिफल की जब हम बात करते हैं तो इस स्थिति में सभी साधन, जितने भी हम उत्पादन के साधन प्रयोग कर सकते हैं, सभी में परिवर्तन होता है, मशीनरी में भी परिवर्तन हो रहा है, श्रम में भी परिवर्तन हो रहा है, भूमि में भी परिवर्तन हो रहा है, तो ये सभी में परिवर्तन होता है। तो उत्पादन के जो सभी साधन हैं, उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन
हो जाता है, इस समय कोई भी स्थिर नहीं रहता। और ये स्थिति जो आती है हमारे, ये आती है दीर्घकाल की स्थिति में, ये आती है दीर्घकाल में, दीर्घकाल में ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, सर ये अल्पकाल और दीर्घकाल क्या होता है? अल्पकाल और दीर्घकाल वो स्थिति होती है, अल्पकाल का मतलब वैसे तो डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन इन जर्नली मैं कह सकता हूं कि 5 साल या 5 साल से कम समय का ड्यूरेशन अल्पकाल कहलाता है, 5 वर्ष या 5 वर्ष से कम समय का काल है जो अल्पकाल कहलाता है, लेकिन दीर्घकाल में 5 वर्ष से अधिक समय को हम लेते हैं। अब अल्पकाल वो स्थिति है जब हम सभी साधन केवल एकमात्र साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, सभी साधनों में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है, जबकि दीर्घकाल में हम सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। माना कि मुझे एक पुस्तक छापनी थी, ठीक है, एक पुस्तक छापने के लिए शुरुआत में मुझे मिला 200 बुक्स का टेंडर मुझे मिल गया और मुझे वो जल्दी ही देनी है। अब इस स्थिति में मैं इसको जो उत्पादन में यह पुस्तक को छापने के लिए जो प्रयोग कर सकता हूँ वो क्या क्या प्रयोग कर सकता हूँ, मैं एक तो श्रम को प्रयोग कर सकता हूँ, मैं इसमें पूंजी का प्रयोग कर सकता हूँ जिसमें हमारे पास में मशीनरी वगैरह होंगी, मशीनरी है, ठीक है, तो श्रम और मशीनरी का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। अब सपोज करो इसके तुरंत बाद थोड़ी देर बाद में मुझे ऑर्डर मिलता है कि सर 200 नहीं इसके 2000 प्रतियां छापनी हैं। अब 2000 प्रतियां छापने के लिए अब सब मुझे एक पुस्तक की एक बार छापने की 2000 का ऑर्डर मिला, इन जनरली मुझे 200 300 400 500 इतना ही ऑर्डर मिलता है, तो इस स्थिति में क्या करूंगा? अब मैं मशीनरी तो लगा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास में हमेशा जर्नल रूप में 2000-5000 का ऑर्डर आता नहीं है, ऑर्डर मेरे पास कम का आया है। और अगर मेरा दीर्घ काल के लिए मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मुझे इस प्रकार की हुए तो मैं मशीनरी में करूंगा, लेकिन शुरुआत में मुझे केवल मात्र श्रम की ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, ज्यादा मात्रा में मुझे श्रम लगाना पड़ेगा और 2000 पुस्तकों की प्रतियां मुझे छाप करके देनी पड़ेंगी। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। माना कि मैंने यही पुस्तक का एक सेट लगा रखा है और मेरे पास में एक भूमि का छोटा टुकड़ा है और मुझे इसकी ज्यादा मात्रा में वो देनी थी। अब मेरे पास में जगह कम है, स्पेस कम है, इस जगह पर मेरे पास में ये फर्म लगाई हुई है, अब मुझे ज़्यादा प्रतियां देनी है, ज़्यादा श्रम काम करेगा तो मुझे जगह भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि मुझे भूमि खरीदनी पड़ेगी। अब भूमि खरीदने के लिए मैं अल्पकाल में मतलब शॉर्ट समय में तुरंत प्रभाव से मैं तैयार नहीं हो सकता, लेकिन मैं क्या करूँगा, एक टुकड़ा और रेंट पे ले सकता हूं। अल्पकाल में मेरा साधन तो बढ़ गया लेकिन ये परमानेंट मेरा नहीं रहा, जैसे ही मैंने पुस्तक की प्रतियां बेची इसको मैं क्या कर दूंगा, वापस रिटर्न कर दूंगा। तो इस प्रकार से अल्पकाल और दीर्घकाल में ये हमारे सामने अंतर आ जाते हैं। अल्पकाल क्या है, समय का एक छोटा ड्यूरेशन है, दीर्घकाल जो है समय का एक बड़ा ड्यूरेशन है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि सर परिवर्तनशील साधन कौन से होते हैं और अपरिवर्तनशील साधन कौन से होते हैं, किन साधनों को हम परिवर्तन कर सकते हैं, किन साधनों को हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो हम अल्पकालीन स्थिति देखें तो केवल मात्र श्रम एक ऐसा वो है जिसको हम इजी गोइंग वे में परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने को हम पूंजी में भी कर सकते हैं, परिवर्तन करने को हम भूमि में भी कर सकते हैं, मैं आगे जब आपको पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि, लेकिन उस स्थिति में हमें श्रम स्थिर रखना पड़ेगा, पूंजी स्थिर रखनी पड़ेगी, भूमि स्थिर रखनी पड़ेगी। लेकिन जब हम दीर्घकाल की बात करते हैं तो हम सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्पादन का सिद्धांत कहता है। अब हम उत्पादन के सिद्धांत में जो हमारे मेन मुख्य नियम है, एक तो है साधन के प्रतिफल, इसको हम क्या कह सकते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, अनुपातों का नियम भी कहते हैं। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम हम पढ़ेंगे, इससे पहले मैं आपको छोटे छोटे 2-3 कंसेप्ट हैं उनको बता देता हूं ताकि हमको इसको समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जो उत्पादन के मुख्य तत्व हैं या मुख्य बिंदु हैं हम उनको देखते हैं, फिर उसके बाद में परिवर्तनशील साधनों का नियम और पैमाने के प्रतिफल ये सारे अपन पढ़ेंगे। तो हमारे सामने जो मेन कंसेप्ट आते हैं वो आ जाता है उत्पादन के तहत, उत्पादन फलन अपने पढ़ लिया, उत्पादन में अब हमारे सामने आता है, एक तो होता है कुल उत्पाद, ठीक है, उत्पादन कह सकते हैं टीपी, टोटल प्रोडक्ट। एक होता है हमारे सामने औसत उत्पाद, इसे हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। और तीसरा होता है हमारे पास में सीमांत उत्पाद, इसे हम एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। एक उत्पादक के द्वारा
एक निश्चित समय में या साधनों की सहायता से जितना भी उत्पादन किया जाता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, कुल उत्पाद कहलाता है। एक उत्पादक द्वारा दिए हुए साधन और तकनीकों की सहायता से जितना उत्पादन किया जाएगा वो सारा एक किसी विशिष्ट वस्तु का कुल उत्पादन कहलाएगा। उसी को अगर हम कहें कि औसत उत्पाद क्या होता है, पर यूनिट प्रोडक्शन, प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एपी बराबर टीपी अपॉन क्यू, उत्पादन की मात्राओं से कुल उत्पाद में भाग दे दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, औसत उत्पादन मिल जाएगा। मतलब प्रति इकाई, इसे हम ये लिख सकते हैं प्रति इकाई उत्पादन, एक इकाई पर कितना उत्पादन हो रहा है, प्रति इकाई उत्पादन, तो इसको हम कह सकते हैं। सीमांत उत्पादन क्या होता है, सीमांत उत्पादन होता है प्रति इकाई उत्पादन में होने वाला परिवर्तन, प्रति इकाई से कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन। एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया गया, सपोज करो मैं पहले 1, 2, 3, 4, 5 इकाइयों का उत्पादन कर रहा था, ठीक है, इसको सारणी की सहायता समझाऊंगा मैं आपको, और अभी एक बार मैं थ्योरेटिकल समझाता फिर सारणी की सहायता समझाता हूँ। सीमांत उत्पाद क्या होता है, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन सीमांत उत्पाद कहलाता है। इट मीन्स हम इसको ये कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टीपी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, मांग उस उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ वो हमारा क्या कहलाता है, सीमांत उत्पादन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको अपन को समझना है, और इसको समझने के बाद में अब हम आराम से, आपके पास में बुक रेफर मैंने कर रखी है, एच एल आहूजा है, टी आर जैन है, या फिर लक्ष्मीनारायण नाथुराम का है, उनमें से आप एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ना, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि कुल उत्पाद क्या होता है, औसत उत्पाद क्या होता है, सीमांत उत्पाद क्या होता है। इनको सारणी की सहायता से, रेखा चित्र की सहायता से, कल मैं आपको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी हमारी उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक बार आप रिविजन जरूर कर लेना, नया टॉपिक है, नया यूनिट है, और नया ही आपके सामने अध्याय है, तो इसको आप देख लेंगे तो आपके सामने समझ में आ जाएगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, और अगले लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस में बेनिफिट मिल सके। नमस्कार।